कैसा लगा भाई बाइक चलाने में तेरे को? बहुत मस्त। बढ़िया लगा? हाँ। मस्त गाड़ी है। जय हो। अभी हम निकल रहे हैं नैनीताल को और अभी हल्द्वानी में हूँ। मैं घर से निकला हूँ, 10:30 हुआ है टाइम सुबह के। तो गुड मॉर्निंग सभी को, और दिखाते हैं आपको आज नैनीताल का टूर करवाते हैं। और काफ़ी मौसम भी काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। देखते हैं पहाड़ों में कैसा मौसम है। बादल दिख रहे हैं यहाँ से ही। पहले जाते हैं पेट्रोल भराते हैं, तेल भी कम है अभी। तो काफ़ी टाइम बाद राइड कर रहा हूँ, लास्ट राइड मेरी अल्मोड़ा की थी, हल्द्वानी टू अल्मोड़ा। तेल भरा लेते हैं। ओके, तो अभी हम पहुँचे हैं काठगोदाम पे और कनक ने हमें ज्वाइन कर लिया। कनक मेरे साथ बैठा हुआ है पीछे, और हम लोग 4 लोग हैं, 2 लोग अभी आगे निकल गए हैं। तो काठगोदाम से हम निकल रहे हैं नैनीताल की ओर को, देखते हैं कैसा मौसम है वहाँ पे। अभी हम नैनीताल वाली रोड पर पहुँच गए हैं, यहाँ से 30 किलोमीटर है नैनीताल। मौसम यहाँ भी अच्छा ही है, धूप निकली हुई है, और लेकिन पेड़ की छाँव में ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बर्फीली हवा, बढ़िया लग रहा है। जोलीकोट आएगा यहाँ से, 12 किलोमीटर जोलीकोट है। जोलीकोट भी यहाँ पे रास्ते में आपको काफ़ी अच्छे अच्छे होटल्स वगैरह मिलेंगे, रेस्टोरेंट वगैरह। तो यहाँ पे भी हम रश कर रहे हैं, और ये देखिए वैन, यहाँ पे आपको मीट चावल खाने को मिलेगा। ये रोड पे है, नैनीताल रोड पे, मुर्गा चावल, राजमा चावल, मीट चावल। हाँ, इन लोगों को भूख लगी थी तो यहाँ खाने के लिए रुक गए थे। तो चलते हैं यहाँ से अभी। मैं चला रहा हूँ। अरे रुक जा, नहीं। अरे इधर से हम अल्मोड़ा को जाते हैं, और ये है नैनीताल की है। नैनीताल यहाँ से 15 किलोमीटर है अभी। अभी टाइम हुआ है 1 बजे हुआ है, थोड़ा हम थोड़ा आराम करते करते इधर पहुँचे हैं। यहाँ से भी 10 किलोमीटर है, और ये अपनी बाइक, थोड़ा सा रेस्ट दिया है बाइक को। तो अभी 2 बंदे पीछे ही हैं, आए नहीं अभी। कैसा लगा भाई बाइक चलाने में तेरे को? बढ़िया लगा? हाँ। मस्त गाड़ी है। 11 बजे हम निकले थे वहाँ से, हल्द्वानी से, और अभी 1 बजा, मतलब 1.5 घंटा हमारा वेस्ट हो गया, क्योंकि हम एकदम आराम से एंजॉय करते हुए जा रहे हैं। तो पहुँच चुके हैं हम नैनीताल, टाइम हुआ है 1:15, और नैनीताल में हमने एंट्री ले ली है। काफ़ी अच्छा व्यू दिखाई दे रहा है, और नैनीताल में मौसम एकदम साफ है, कहीं भी कोई बादल नहीं है, तो धूप अच्छी खिली हुई है, पहाड़ी है। देखते हैं ऊपर जा सकते हैं तो जाएंगे, टाइम मिलेगा तो। और नैनीताल में आने के बाद आ जाएगी एक, मतलब एनर्जी आ जाती है। और 2021 जनवरी का मंथ है, ठंड अभी उतनी है नहीं जिस हिसाब से होनी चाहिए नैनीताल में, क्योंकि नैनीताल में ठंड बहुत पड़ती है, बर्फ़ भी गिरती है। तो लेकिन आज मौसम कुछ ज़्यादा ही अच्छा है, एकदम क्लीन है, क्लीन, क्रिस्टल क्लीन। तो ये रहा नैनीताल, पहुंच गया नैनीताल। ये देखिए कहाँ पे लगाएं गाड़ी, अभी फ़िलहाल यहाँ पे लगा देते हैं, उनका वेट करते हैं। गाड़ी हमने पार्क लगा दी है, थोड़ी देर वेट करते हैं फिर चलते हैं। मेरा थोड़ा सा ट्राइपॉड का इश्यू हो गया। तो ये है कनक, तो आपने बद्रीनाथ वाली ट्रिप में भी देखा होगा।
कहाँ पे रह गए वो लोग? कर रहा हूँ। क्या प्लान है तेरा बाकी का बताओ, कहाँ जाना है? क्या प्लान क्या है? इन लोगों की डॉक्टर में जाना है। सही है। अभी मैं हूँ तली ताल में। ये जो पूरा पीछे का मेरा जो पीछे देख रहे हैं ये तली ताल है, और मल्ली ताल वहाँ पे है, उधर पे है मल्ली ताल। इधर जो टॉप दिख रहे हैं यहाँ से पूरा व्यू दिखता है, बहुत बढ़िया व्यू, पूरे ताल का व्यू दिखता है, नैनीताल का पूरा व्यू दिखता है। तो अभी आज हमारे पास टाइम नहीं है, तो नहीं तो वहाँ पे जाते, वहाँ से ये पूरा नैनीताल एक नज़र में दिख जाता है। ये पूरा ताल है, ताल के पूरे तरफ से ये रोड जाती है इधर से, और इधर से भी रोड है। ये ऊपर मल्ली ताल है, वहाँ से भी दिखता है व्यू। मछली आई क्या यहाँ पे? कुछ हलचल आई? चले गए वो आगे को? घर जाऊंगा घूमने के लिए। अच्छा, तो अभी हम चलते हैं ऊपर मल्ली ताल माल रोड होते हुए। तो चलते हैं ऊपर, चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ से। मास्क लगा लेते हैं यहाँ पे पहले, ये बैग पकड़ना, मैं भी लगा लेता हूँ मास्क। हाँ, तो पब्लिक एरिया है, मास्क लेना जरूरी है यहाँ पे। ये है माल रोड। ये सारे होटल हैं, ये सब होटल है इधर किनारे किनारे सारे माल रोड के आसपास। होटल कृष्णा फैमिली रेस्टोरेंट है, होटल क्लासिक, ये सब रिक्शा स्टैंड है। यहाँ पे सारे रिक्शा मिल जाते हैं आपको मल्ली ताल से तली ताल और तली ताल से मल्ली ताल जाने के लिए। ये है मस्जिद, फेमस मस्जिद नैनीताल की, और इधर ग्राउंड है। हाँ राइट, ये सारी गाड़ियों की पार्किंग, इधर सारी गाड़ी यहाँ पार्क होती हैं। नहीं मैं, तू ऐसा लग रहा है, पता है कौन जो फेमस हुआ था वो, क्या नाम है उसका, जोमेटो वाला? सुनो भैया कितने कमा लेते हो जोमेटो से? कितना कमा लेते हो? हरी मिर्च? हाँ ठीक है ठीक है, हाँ डाल दो डाल दो। बस यहाँ पे मैगी तैयार हो रही है, और अभी हम हैं नैनीताल की मार्केट में, और अभी यहाँ पे हम मैगी चाय ले रहे हैं। और ये देखिए यहाँ मार्केट है ऊपर यहाँ पे, और यहाँ से कुछ नमकीन वगैरह ले जाएंगे, फेमस नमकीन है यहाँ पे। और अभी हम जा रहे हैं नमकीन लेने, यही है नमकीन। नमकीन कौन कौन सी वाली है? नमकीन मिक्स है, और क्या रेट है? आप नॉनवेज कितने का है? 40 का, 40 का ले लिया कनक ने। खा के बताना कैसा लग रहा है, ठीक है? अभी उस खा के देखे कैसा लग रहा है, कैसा टेस्ट है भाई? सही है, बढ़िया है। जो पहले खाते
अब इसमें ना पीसेस कम हो गए। अच्छा ये देखिए भाई साहब मोमोज, क्या बढ़िया बढ़िया मोमोज है। हम तो पहले भी खाते थे ना यहाँ पे, पहले बहुत आते थे। हाँ अभी साइज कम कर दिया इन्होंने, ठीक है ने? अभी साइज कम हो गया है। और किसी भी शहर में यहाँ पे मोमोज खाने वाले की भीड़ लगी रहती है, ये देखिए लाइन लगी हुई है, वेज मोमो नॉन वेज मोमोज सारे भीड़ लगी हुई है यहाँ पे। तो पूरे नैनीताल में यही एक मार्केट है जहाँ पे मोमोज सबसे बेस्ट मिलते हैं। और जो वो बहुत ज्यादा मिर्ची मिर्ची होती है, ऐसा नहीं, चटनी भी अच्छी है, कम मिर्ची खाने वाले भी खा सकते हैं। यहाँ पे परेड हो रही है सामने, अभी निकलते हैं यहाँ से हल्द्वानी किले।